गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सैटेलाइट्स और प्लैनेट के बारे में पढ़ा था, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्व वेरियस पर्पस सच एज टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोग्राफी ऑफ अर्थ। देखिए बच्चों, टेलीकम्युनिकेशन में होता है दूरसंचार, ठीक है, और दूरसंचार में आपका आता है दूरदर्शन और आकाशवाणी प्रसारण, ठीक है, और टेलीफोन सेवा। आगे क्या है, वेदर फोरकास्टिंग एंड गैदरिंग, है ना, वेदर फोरकास्टिंग मतलब हो गया मौसम, है ना, मौसम से जो जानकारियाँ होती हैं, एंड गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोग्राफी ऑफ अर्थ। गैदरिंग में होता है इकट्ठा करना, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोग्राफी ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है ना, उसका जो जियोग्राफी है ना, यानी कि उसका जो भूगोल है, कहने का मतलब ये है कि जो भूगर्भीय जानकारियां हैं, ठीक है, पृथ्वी की जो भूगर्भीय जानकारियां हैं उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनका उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर दिस यानी कि इनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट में लिखा है विच इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, ठीक है बच्चों, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्लैनेट फार्थेस्ट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से सबसे दूर के ग्रह का नाम बताइए, ठीक है बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है, सबसे दूर कौन होता है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड में है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ, यानी कि दूरी के क्रम में पृथ्वी सूर्य से किस क्रम में है, ठीक है बच्चों, दूरी के क्रम में पृथ्वी सूर्य से किस क्रम में है, यानी कि कौन से नंबर में है। चलिए फोर्थ देखते हैं विच इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। फाइव में है नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, देखिए बच्चे इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए, ठीक है बच्चों। इन सब का आंसर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए आप जरूर भेजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.4 बेसिक नीड ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जीने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक नीड्स यानी कि मूल आवश्यकताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है फूड, ठीक है बच्चों, जो बेसिक नीड्स है उसमें सबसे पहले आता है फूड यानी कि भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग डू वर्क, यानी कि सभी जीवधारी कार्य करते हैं। एवरी वन रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू वर्क, है ना, और प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द लिविंग बींग ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा, है ना, किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होता है। अब आगे वाई डू यू फील हंगरी और रिटर्निंग होम आफ्टर प्लेइंग, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप खेल कूद कर घर आते हैं तब आपको भूख क्यों लगती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द एनर्जी ऑफ योर बॉडी ऑफ आवर बॉडी टेंड टू डिक्रीज आफ्टर प्लेइंग इन ऑर्डर टू रिट्राइव बैक द लॉस्ट एनर्जी फूड इज नेसेसरी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जब हम लोग, है ना, खेलने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग खेलने जाते हैं बाहर
तो खेलने से आपके शरीर की ऊर्जा में कमी होती है ना, यानी कि जो एनर्जी ड्रेन होता है उसमें डिक्रीज होता है, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसमें कमी हो जाती है, ठीक है। और ऊर्जा की पुनः प्राप्ति हेतु आपको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो ऊर्जा कमी हो जाती है उसको, ठीक है, फिर से उसको मतलब कि फिर से पाने के लिए, ठीक है, फिर से उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को भोजन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम लोग खेलने जाते हैं तो खेल कर आते हैं जब घर में, तो हम लोग को भूख लगती है। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स मटेरियल एंड आल्सो फ्रॉम अदर एनिमल्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मानव होते हैं, ठीक है, जो मानव जो मनुष्य होते हैं तो जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है बच्चों, एंड एनिमल्स यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, है ना, वो अपना भोजन पेड़ पौधों से अथवा अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों से या फिर प्लांट का जो मटेरियल्स होता है उससे या फिर अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जो जंतु होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है बट ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी कि जल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना जो फूड होता है, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर सेकेंड में है, वाटर, ठीक है, यहाँ पर पहला तो फूड दिया गया था, है ना, अब आती है वाटर। चलिए वाटर के बारे में पढ़ें। वाटर इज नेसेसरी फॉर एक्सिस्टेंस, ठीक है बच्चों, यानी कि जीवन के लिए जल अनिवार्य है, ठीक है, एक्सिस्टेंस यानी कि जीवन के लिए जल अनिवार्य है। ग्रीन प्लांट एंड ऑल एनिमल इन एडिशन टू फूड आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए। यहाँ पर लिखा गया है पौधे तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, जीवित रहने के लिए। अलार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ लिविंग बींग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वाटर, जैकेट्स के अंदर यह है 70% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवधारियों को शरीर के भार का अधिकांश भाग, है ना, लगभग 70% क्या होता है, जल होता है, समझ में आया। यानी कि जीवधारियों का जो शरीर होता है ना, उनका जो वेट होता है, ठीक है, यानी कि उनका जो भार होता है, जो शरीर का पूरा भार होता है, उसमें से 70% क्या होता है, जल होता है। आगे देखते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मेजर एक्टिविटीज एंड वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम ऑफ द लिविंग बींग, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवधारियों में जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वेरियस प्रोसेस होते हैं, जो मेजर एक्टिविटीज हैं यानी कि जो मुख्य, है ना, शरीर में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं उसके लिए, और जो वेरियस पर्पस हैं यानी कि विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं उनको होने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में दिया है एयर, एयर यानी कि हवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड एंड वाटर बींग द नेसेसिटीज, लिविंग बींग आल्सो रिक्वायर्ड एयर फॉर द सर्वाइवल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा है कि भोजन तथा जल के अलावा, ठीक है, जीवित रहने के लिए वायु भी अनिवार्य है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस फ्रॉम योर एक्सरसाइज दैट वाइल बींग इन वाटर वन कैन नॉट स्टे इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा है यू हैव नोटिस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस दैट वाइल बींग इन वाटर
वन कैन नॉट स्टे इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने अपने दैनिक जीवन में ये नोटिस किया होगा, यानी कि अनुभव होगा आपको, है ना, महसूस किया होगा कि जो वाटर होता है, ठीक है, जो वाटर होता है उसमें, है ना, हम अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक हम लोग जल के अंदर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो तालाब होते हैं, है ना, नदी होते हैं, उसमें डुबकी लगाते समय, है ना, आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि हम लोग अधिक देर तक जल के अंदर नहीं रह सकते। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली वन कैन एक्सपीरियंस ब्रेथलेसनेस when completely covered with a blanket, living being take in O2 from the surrounding air। बच्चों, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है, O2 मतलब ऑक्सीजन। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी प्रकार जब हम लोग वन कैन एक्सपीरियंस ब्रेथलेसनेस व्हेन कम्प्लीटली कवर्ड विद अ ब्लैंकेट, ठीक है, यानी कि जब हम लोग अपने आप को पूरी तरह से कंबल से ढक लेते हैं तो क्या होता है, लिविंग बींग टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि इसी प्रकार कंबल या रजाई से सिर ढक लेने पर भी हम लोगों को ब्रेथलेसनेस, यानी कि हम लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है, हमारा दम घुटने लगता है, ठीक है, और हमें शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकाल कर सांस लेना पड़ता है। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पर बींग टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। ठीक है, यानी कि हम लोग को कंबल हटा के बाहर से ऑक्सीजन, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, तो जब हम लोग कंबल के अंदर रहते हैं तो हमारा जो सांस है ना, वो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या होता है, हम लोग का दम घुटने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंबल को हटा लेते हैं, है ना, कंबल को हटा करके बाहर से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं, ठीक है, और सांस लेते हैं। समझ में आया? चलिए, यहाँ पर लिखा है कि कंबल या रजाई से सीट ढक लेने पर भी हम लोगों को मतलब हमारा दम घुटने लगता है ना, हमें शीघ्र ही सिर बाहर निकाल कर, है ना, सांस लेना पड़ता है। सांस लेने क्रिया में जीवधारी अपने आसपास की ऑक्सीजन, मतलब आसपास में जो ऑक्सीजन होता है उससे गैस प्राप्त करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा दम घुटता है तो हम लोग कंबल हटाकर बाहरी जो ऑक्सीजन होता है ना वायु में, उसको लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, और अपना जो कॉपी है, ठीक है, साइंस का जो कॉपी है उसको तैयार रखें। चलिए, थैंक यू।